पुष्पा 2 को लेकर एक्साइटिंग खबर। बजट से स्क्रिप्ट तक सब हो गया है तैयार। जैसा कि हम सभी ने देखा था कि पुष्पा ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाया था और कितनी जमकर कमाई की थी। पुष्पा द राइज के ब्लॉकबस्टर हिट के बाद से ही अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फैन फॉलोइंग में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद से फैंस को फिल्म के दूसरे पार्ट के साथ साथ इस जोड़ी को फिर से एक साथ देखने का इंतजार था, जो इंतजार मेकर्स के पुष्पा 2 के अनाउंसमेंट के बाद थोड़ा खत्म हुआ। आपको बता दें कि शायद लोगों की इसी एक्साइटमेंट को देखकर मेकर्स ने पुष्पा 2 फिल्म पर पुष्पा 1 से ज्यादा बजट की फिल्म बनाने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक ऐसी खबर आई है कि मेकर्स ने पुष्पा 2 के लिए बजट भी डिसाइड कर दिया है, जो करीब 300 से 400 करोड़ के आसपास का होगा। बता दें कि पुष्पा में फिल्म का बजट 194 करोड़ था, लेकिन फिल्म ने 319 करोड़ के आसपास की कमाई की है। इसलिए मेकर्स ने पुष्पा 2 पर जमकर पैसे लगाए हैं, ताकि फिल्म को बड़े पैमाने पर रिलीज किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इस फिल्म को देख सके। ये बात हुई फिल्म के बजट की। अब बात करते हैं फिल्म की स्क्रिप्ट की। तो फिल्म के डायरेक्टर सुकुमार ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट को रेडी कर दिया है। उनका स्क्रिप्ट राइटिंग में साथ दिया है श्रीकांत विस्सा ने। फिल्म का बजट रेडी है, फिल्म की स्क्रिप्ट भी रेडी है, अब बस शूटिंग स्टार्ट करने की देरी है। आपको बता दें कि पुष्पा का पूरा नाम पुष्पा द राइज था और पुष्पा 2 का नाम पुष्पा द रूल्स रखा गया है, और इस फिल्म को अगले साल तक पूरा कर देंगे। उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन वर्क, फिर फिल्म को जल्द से जल्द सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। आपको बता दें कि पुष्पा द राइज की स्टोरी जहां खत्म हुई थी, उसी कहानी को पुष्पा द रूल्स में पूरा किया जाएगा। फिल्म को 2024 तक रिलीज करने की संभावना है। फिल्म में अल्लू अर्जुन के अलावा रश्मिका मंदाना भी अहम रोल निभाएंगी, जो पुष्पा की पत्नी का किरदार होगा।